हे व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप लोग। फिर से वापस आ चुके हैं एक नए वीडियो के साथ। गाइस आज वीडियो बात करने वाले हैं गदर 2 के बारे में। गदर 2 का फाइनली टीजर रिलीज हो चुका है। आज वीडियो हम गदर 2 के टीजर के बारे में बात करेंगे, एनिमल मूवी के टीजर के बारे में बात करेंगे, फिर हम बात करेंगे ओ माई गॉड 2 के पोस्टर के बारे में। इन तीनों की रिलीज डेट एक ही है, फिर साउथ की कौन सी दो फिल्में हैं जो सेम डेट को आने वाली है, 5 फिल्में टोटल आनी है, सब कुछ आपको डिटेल में बताएंगे। सबसे पहले बात करते हैं गदर 2 के बारे में। तो गदर 2 का टीजर मैंने पहले ही देख लिया था 9 तारीख को, 3 दिन के बाद उसको YouTube पे अब रिलीज कर दिया गया है। अब मैं इसका रिव्यू कर रहा हूँ क्योंकि पहले लोगों ने नहीं देखा था, सब लोग गदर देखने तो गए नहीं थे। भाई गदर 2 का टीजर डिसेंट है, ठीक है। आपको बता दूं कि गदर 2 के टीजर में स्टार्टिंग में दिखाते हैं कि भाई अब तो ये लगता है दहेज में पूरा लाहौर ले जाएगा, एक लेडीज की आवाज आती है। फिर दिखता है कि बहुत सारे लोग मूवमेंट कर रहे हैं कि गजवाए हिंद, मुस्लिम लोग या पूरे हिंदुस्तान में कब्जा कर लेंगे, अगली चाय हम सीधे दिल्ली में पियेंगे, ऐसे लोग कुछ बोल रहे हैं और पोस्टर लगाए जा रहे हैं गजवाए हिंद के। तो फिर उसके बाद सनी देओल वहां पर दिखते हैं काले कुर्ते में, और फिर वो एक बड़ा सा जो चक्का होता है ना लकड़ी का, शायद बैलगाड़ी का चक्का होता है, उसको फेंक के ऐसे मारते हैं और लिख के आता है तारा सिंह इज बैक, ठीक है। उसके बाद फिर दिखाया जाता है कि एक कब्रिस्तान है, वहां पर हमारे सनी देओल ऐसे करके बैठे हुए हैं। वो पता नहीं किसकी बॉडी है, अमीषा पटेल की शायद बॉडी है या फिर उत्कर्ष शर्मा उनके बेटे की बॉडी है, ये ज्यादा रिवील नहीं किया गया। उसमें गाना भी चलता है जो हमारे जुबिन नौटियाल है उनकी आवाज में, तो घर अजब परदेसी की तेरी मेरी एक जिंदड़ी। तो टीजर अच्छा लगता है, छोटा सा टीजर है, आप बोल सकते क्लिप है, टीजर होना चाहिए बड़ा थोड़ा सा, 1 मिनट का, लगभग 50 से 40 सेकंड का, बहुत ही छोटा सा क्लिप है। जब थिएटर में ये टीजर दिखाया गया था लोगों में बड़ा क्रेज था, बहुत पसंद कर रहे थे। मुझे ख्याल से उसी दिन इसको यूट्यूब पे भी रिलीज कर देना चाहिए था, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी थोड़ी सी रॉन्ग हो गई, कोई बात नहीं। बस मैं ये चाहता हूँ जो गदर 2 बन रही है ना, ओवर एक्शन ना हो। अनिल शर्मा बहुत ज्यादा ओवर एक्शन डाल देंगे तो बहुत ही बेकार लगेगा। जैसे कि इनने सिंह साहब भी ग्रेट बनाई थी सनी देओल के साथ, जब वो फिल्म आई थी ना तो लग रहा था गदर 2 आ गई, उसमें अब ना वो पेड़ों की जड़ निकाल के लोगों को मार रहे हैं, वो सब चीज थोड़े से इलॉजिकल लगते हैं। सनी देओल सर के पास ना रियल एक्शन उनके ऊपर अच्छा लगता है, ओवर एक्शन अच्छा नहीं लगता है। अनिल शर्मा ने और भी फिल्में बनाई है जैसे कि बिग ब्रदर बनाई है, फिर सिंह साहब भी ग्रेट बनाई है, चली नहीं। गदर 2 के बाद से अनिल शर्मा की एक भी फिल्म बॉक्स ऑफिस पे नहीं चली है। गदर 2 का बज इतना ज्यादा है कि एक एक रिक्शा वाले से लेके एक एक घर के लड़के से लेके जो 90s के बच्चे हैं जिन्होंने गदर मूवी देखी है टीवी पे बार बार, 2000 सन वाले भी जिन्होंने देखी है उनको बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है। गदर मूवी का पार्ट 1 हाउसफुल चल रहा है मुंबई में, मैं देख रहा था रात रात के शो, कुछ सीटें छोड़ के फुल हाउसफुल है। भाई बहुत बड़ी बात होती है किसी फिल्म को री रिलीज करके पहले दिन में 30 लाख की कमाई करना, जबकि बहुत कम स्क्रीन में लगी है, सिर्फ मुंबई मुंबई में और कहीं थोड़ी जगह पे लगी होगी, इतना कलेक्शन करना भी बहुत बड़ी बात होती है। ऐसा करने वाली 2 ही फिल्में है, एक है DDLJ, दूसरी है हमारी गदर, बहुत बड़ी बात। तो गदर फिल्म का बहुत ज्यादा क्रेज है, इस फिल्म से जो भी क्लैश होगी ना फ्लॉप होने वाली है या फिर बहुत बुरा नुकसान होगा। एनिमल मूवी का बजट बहुत ज्यादा लग रहा है मुझे। भाई ओ माई गॉड 2 को तो बिल्कुल भी रिलीज नहीं करना चाहिए, अक्षय कुमार की फिल्में सोलो में नहीं चल रही है, क्लैश में कैसे चल जाएगी। तो ये सब जो चीजें होती है ना फिल्म रिलीज होने की, एक साथ रिलीज होने वाली, ये सब बज बनाने के लिए फिल्मों का किया जाता है, आपके माइंड से खेला जाता है। अगर आप बेवकूफ हो, आप ऐसी बातों को मान जाते हो, तो आप भाई आपको बहुत ही बड़ी गलत फहमी है, ये सिर्फ बज क्रिएट करने के लिए किया जाता है। साउथ की जेलर फिल्म आ रही है रजनीकांत सर की, फिर हमारे चिरंजीवी सर की भोला शंकर भी उसी दिन आ रही है, कैसे होगा। जबकि एनिमल तो पैन इंडिया फिल्म होगी पक्का है, तो 3 लैंग्वेज में रिलीज होगी, तेलुगु में भी रिलीज होगी। तो भाई ये सब चीजें बस क्रिएट करने के लिए की जाती है, आप समझ जाओ तो बहुत अच्छी बात है। जैसे ही रिलीज डेट पास आएगी सब बाहर हो जाएंगे, एक ही फिल्म रिलीज होगी या फिर 2 फिल्में रिलीज होंगी, ज्यादा से ज्यादा 5 फिल्में एक दिन में नहीं आ सकती, इतनी स्क्रीन ही नहीं है इंडिया में, कौन इतना लॉस लेगा। गदर को तो हमेशा से सोलो ही रिलीज करना चाहिए क्योंकि उसका तो भाई बज है, वो कभी भी आएगी रिकॉर्ड तोड़ेगी, चौके छक्के मारेगी। भाई ओ माई गॉड 2 की बात की जाए तो भाई पहले पार्ट को सुपरहिट करार दिया गया था, उसमें 100 करोड़ कमाए थे वर्ल्ड वाइड में, छोटे बजट की फिल्म की लगभग 18 करोड़ ही। इस फिल्म का भी बजट बहुत कम है, मतलब 50 से 60 करोड़ मान के चलिए आप। मेन लीड में पंकज त्रिपाठी है, हमारे अक्षय कुमार का उसमें सपोर्टिंग रोल है जैसे कि पार्ट 1 में था। और भाई एनिमल की बात करें तो एनिमल का जो टीजर मैंने देखा है मुझे ठीक लगा है, मतलब बुरा नहीं लग रहा है। लेकिन एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, रणवीर कपूर को एक्शन में आज तक किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया है,
उन्होंने जिस फिल्म में भी एक्शन किया वो फिल्म सुपर फ्लॉप हुई है अभी तक। क्या रणबीर कपूर को संदीप रेड्डी बांगा अच्छे से रिप्रेजेंट कर पाएंगे? आई एम डैम श्योर कर पाएंगे, लेकिन क्लैश मत करिए आप, थोड़े दिन बाद रिलीज कर दीजिए, 2 अक्टूबर को रिलीज कर दीजिए या सितंबर में रिलीज कर दीजिए। जबरदस्ती क्लैश करने की क्या जरूरत है, वो चीज गलत है। और गदर 2 की बात करें तो गदर 2 का बज इतना ज्यादा है, वो फुद्दू फिल्म भी होगी ना तो भी लोग देखने जाएंगे, जैसे कि हेरा फेरी 3 का बज है, वो कैसी भी फिल्म बनाएगा ना, बकवास से बकवास बनाएगा तो भी लोग देखने जाएंगे, क्योंकि उन फिल्मों का फैन बेस बहुत ज्यादा है। गदर 2 का भी फैन बेस बहुत ज्यादा है, इसलिए उनको देखने जाएंगे। Oh My God 2 का उतना बड़ा फैन बेस नहीं है जितना गदर 2 का है। एनिमल का भी बज उतना ज्यादा नहीं है, बस कबीर सिंह की वजह से है या अर्जुन रेड्डी की वजह से, लेकिन गदर 2 से ज्यादा बज नहीं है। यही था मेरा रिव्यू। आप ज्यादा भी जो फेक न्यूज चलती रहती है ना, ये क्लैश हो रही है वो क्लैश हो रही है, उनको मत मानिए, ये सब बज बनाने के लिए किया जाता है। जैसे कि जवान मूवी का किया गया, जवान मूवी को बोला गया था कि आदि पुरुष के साथ क्लैश हो रही है, फिर मैदान फिल्म के साथ क्लैश हो रही है, बज बनाया, फिर फिल्म कहाँ चली गई पता भी नहीं चला किसी को, रिलीज होनी है इस साल या नहीं होनी है। इसके बाद फिर पठान मूवी का भी बज बनाया गया था कि उसमें ऋतिक रोशन, सलमान खान और शाहरुख खान एक ही साथ आने वाले हैं, जॉन अब्राहम से लड़ेंगे, ऋतिक रोशन का कैमियो होने वाला है और ये तीनों एक साथ एक फिल्म में आ जाएंगे, टाइगर सिटी में तीनों देखने मिलेंगे। जबरदस्ती का बज बनाया जाता है, बाद में हमको क्या मिलता है, कॉफी पीते हुए सलमान खान, बस ऋतिक रोशन नहीं है। तो ये सब बज बनाया जाता है आप लोगों को एक्साइट करने के लिए, क्योंकि ठीक है पब्लिसिटी स्टंट होता है, लोगों का प्रमोशन करने का तरीका होता है। गाइज ये था मेरा रिव्यू गदर 2 के बारे में और एनिमल के बारे में और ओ माय गॉड 2 के बारे में। ये था मेरा वीडियो, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, जो कोई भी मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करेगा, फिल्मों से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, किसी भी मूवी की लिंक चाहिए हो, डायरेक्ट मुझे मैसेज करो, मैं आपकी हेल्प जरूर करूंगा। थैंक यू सो मच गाइज वॉचिंग माई वीडियो।